ब्रह्म धनी ओ गुरु गोविंद दोनों खड़े का लग गुरु आपने दियो बता। आज हम सभी पार्ट एक ध्वनि का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें शेष रहा अंतरा उस अंतरे को पढ़ते हुए इस कविता का वाचन करेंगे इससे पहले हमने इस पाठ को पढ़ा है उससे आगे हम अध्ययन करने वाले हैं अध्ययन करने से पहले कुछ शब्दार्थ है उन शब्दार्थों को देख लेते हैं पुष्प पुष्प यानी फूल तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ लालसा लालसा यानी लालच नव यानी नए, अमृत अमृत यानी सुधा सर्ष खुशी के साथ सिंच शेंच, सिंचाई द्वार दरवाजा अनंत जिसका कभी अंत न हो अंत यानी खत्म अब अपन ने जो शब्दार्थ पढ़े हैं इन शब्दार्थों के माध्यम से इस अंतरे में जो बात हमें लेखक बताना चाहता है उस भाव को इस अंतरेय के माध्यम से हम ग्रहण करेंगे पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरी वे जहा है मेरी वह वे जहा अनंत इस कविता का जो ये अंतरा है ध्वनि कविता का है इसके बारे में प्रसंग इस प्रकार है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग तीन में संकलित कविता ध्वनि से हैं कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है उपयुक्त पंक्तियों में कवि जीवन से आलस को दूर भगाने की बात कहते हैं तथा कवि कर्म का परिचय देते हैं हमारे सामने ये जो पंक्तियां हैं इस पंक्तियों को एक बार आप दोहरान करेंगे पुष्प पुष्प से तंद्रा लश, लाल लालसा खींच लूंगा में अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सिंच दूंगा में द्वार दिखा दूंगा फिर उसको द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहता है वह कहते हैं मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से दूर प्रसन्नता से भर दूंगा कभी प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना खुशियों को भर देना चाहते हैं कभी खुशी खुशी से ये कार्य करना चाहते हैं और हर युवा के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं उनके आलस्य को दूर कर देना चाहते हैं जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं ताकि वह प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके और साहसपूर्वक जीवन जी सकें कवि का यह मानना है युवा पीढ़ी अब अपने आलस्य को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा लेगी जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता इसका अर्थ यह है जो जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं उसका अंत कभी नहीं हो सकता कवि कहते हैं जब तक वो नई पीढ़ी को रहा नहीं दिखाकर सही दिशा ज्ञान नहीं दे देंगे तब तक उसका अंत नहीं हो सकता क्योंकि कवि ने अभी जीवन में यह ठाना है कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा मनुष्य यदि कोई भी लक्ष्य तय कर लेता है तो वो कार्य पूर्ण करने से पहले उनका अंत नहीं होता है यह हमारा वेदों में भी वक्तव्य आता है और हमें ये जानकारी पहले से भी है कि यदि कोई व्यक्ति निराश होता है तो उनका सहायता करने के लिए ऋषि मुनियों ने भी अपने तप को उनके सामने प्रस्तुत किया है ऐसे ही कवि कहता है कि मेरा ध्येय यही है कि मैं लो, लोगों को खुशियां दूं, उनके अंदर जो निराशा आई है हताशा आई है उसको दूर हटा दूं, और ये जब मैं काम कर लूँगा तब मेरा इस संसार से जाना सार्थक होगा और जब तक मैं मेरा ये काम पूरा नहीं कर दूँगा तब तक मैं इस जीवन को यहाँ छोड़ नहीं सकता ऐसा इसमें इस अंतरे में हमें बताया गया है ऐसे कुछ गृह कार्य के तीन प्रश्न हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है प्रश्न प्रश्न नंबर दूसरा कवि पुष्पों के तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है और तीसरा प्रश्न वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए ये आपके सामने गृह कार्य रहेंगे इस पार्ट के हमने एक पार्ट पहले पढ़ लिया था और दूसरा पार्ट है अब हमारा ये पाठ पूर्ण हो गया है इसलिए इस पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है उन प्रश्नों को करेंगे यदि उनमें से भी कोई प्रश्न ये जो गृह कार्य दिए ये है तो आप वहां से भी कर सकते हैं प्रश्नोत्तर पहला प्रश्न है कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा यह भी ने पढ़ा है कवि के अंदर जीवन जीने की प्रेरणा उत्साह और ऊर्जा बची है वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं अभी उसे काफी काम करना है वह स्वयं को काम के सर्वथा उपयुक्त मानता है इसलिए उससे विश्वास है कि उसके अंत अभी नहीं होगा यह प्रश्न अपन पहले भी किया है दूसरा फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है ग्रह ग्रह में भी प्रश्न है फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कभी उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर फूलों के अन... अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है कलियों में नहीं रहना चाहता है फूल बनाएंगे फूल से महक पैदा होगी कवि का मानना है कि उसके जीवन बसंत आई हुई है इसलिए वे कलियों पर बासंती स्पर्श का अपना हाथ फेर कर उन कलियों को खिला देना चाहता है यानी खुशबूदार बना देना चाहता है अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं कवि पुष्पों की तंद्रा और आल से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है कवि पुष्पों की तंद्रा और आल से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है यह कलिया आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है और अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्सर्ग उत्कर्ष के स्वपन जगा देना देगा और उसका आलस्य दूर भगा देगा तथा उसमें नए उत्साह का संचार कर देगा ये कवि अपना वक्तव्य रखता है दूसरा है बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है यह आपस में चर्चा करके बताना है बसंत को सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है ना ही अधिक गर्मी इस ऋतु में पंच तत्व समा पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर स्वाम्य रूप में प्रकट होते हैं पेड़ों पर नई कोंपले आने लगती है चारों ओर हरियाले सा जाती है शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती है इसीलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है बसंत को ऋतु राज कहा जाता है ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं यह बात हमारे सामने रखनी है सिद्ध करना है ऋतु परिवर्तन का ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं दोपहर में घरों से कम निकलते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं इसके ठीक उल्टा ठंड के मौसम में हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं गर्मी में तो ठंडी चीज़ों का उपयोग करते हैं और ठंड में बचने का प्रयास करते हैं मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु गहरा प्रभाव डालती है मिलाकर यह पंक्तियां सार्थक से होती है क्यों अपन और भी उदाहरण ले सकते हैं गर्मियों में हम कपड़े कम पहनते हैं और सर्दियों में जो कपड़े पहने हैं उनके ऊपर भी ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि ठंड कम लगे तो ये भी इनका कारण हो सकता है कविता की निम्नलिखित लिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है चार पंक्तियां हैं फूटे हैं आमों में बोर भोर वन वन टूटे हैं भौर भौर भोर, 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 भोर वन वन टूटे हैं होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूट जाते हैं सभी बंधन छूट जाते हैं ये किस पंक्ति ये किस ऋतु का वर्णन है इस कविता में बसंत ऋतु का वर्णन है क्योंकि यहाँ आम के बोर और होली के त्यौहार का वर्णन है तो हमने आज इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी पढ़े और इस पाठ कविता का जो अंतिम अंतरा था उसका भी व्याख्या की इसलिए आप सभी को इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं वो करने हैं और इनके जो गृह कार्य दिया है वो भी आपको करना है आपसे यही आशा है कि आपने पिछला पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ा और उनके प्रश्नोत्तर कर लिए होंगे और अभी इस प्रश्नोत्तरों को भी कर लेंगे करने के बाद आप सभी अपने अपने कक्षाचार्य जी को व्यक्तिगत रूप से जो आपने काम किया है उसका फोटो खींच कर भेज सकते हैं ताकि आपकी प्रगति की जानकारी हमें हो सके इसी आशा के साथ धन्यवाद जय हिंद